एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सिंगल मदर लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, हमारा ऊपर का बाथरूम कंप्लीट होने वाला है, बट आज क्या हुआ था, मतलब कल, कि जो हमारी नीचे वाली बनी हुई है, नीचे वाला कमरा बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ही इसकी हाइट ऊपर खींच गई है। क्योंकि पहले हम रेंट पे गए थे रहने के लिए एक महीने के लिए, तो एक महीना लगा था हमें बनने में, तो इतना ध्यान नहीं दे पाए थे बनाते टाइम पे, तो उसने कुछ ज़्यादा ही हाइट खींच दी है इसकी, जिसकी वजह से हमारा ऊपर बाथरूम बनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी। कि ऊपर पेड़ भी है तो उस वजह से दिक्कत होती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। ऊपर चल के बाथरूम की छत डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेड़ आ जा रहा है वो सबके छत पे है। तो हमारी छत पे जो है वो कुछ ज़्यादा है, जो अब हमारी टंकी रखने के लिए जगह तक नहीं है अभी। तो भाई ने पता चला है कि भाई ने पेड़ काट दिया है ऊपर का। तो देखो, मैं भरी थी पानी, पड़ी गई है अभी, शौचालय गई है, पानी भर चुका है मेरी बाल्टी में। और ये मेरा छोटा भाई है जिसकी तबीयत खराब थी, तो अभी इसको फीवर दिखाओ, ये फीवर कैसा करा। तो देखो, अभी भी फीवर है, बट थोड़ा है इसे, बट अभी फीवर है, क्योंकि रात में उठा करके इसे दवाई दे दी थी मैंने, तो इतना नहीं है अभी। पानी भर चुका है मेरा, और मम्मी और दोनों भाई, मतलब छोटा भाई तो उठ चुका है, मम्मी और भाई सो रहे हैं, क्योंकि ये लोग काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मैं होती नहीं हूँ तो मैं हेल्प भी नहीं कर पाती उन लोगों की। तो मैं दिखाती हूँ ऊपर का कि कैसे हुआ है, कैसा नहीं। और अभी मेरा खाना बनना बाकी है, मैंने खाना नहीं बनाया अभी, अभी बनाऊंगी। सोचू क्या बनाऊँ आज, क्योंकि रात में चावल बनाए थे, सब्जी बनाई थी आलू की, तो सब्जी और चावल पड़े हुए हैं, तो थोड़ा ही रोटी और सब्जी बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। तो चलिए मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। थोड़ा बनाया, कल भी पता है कुछ चावल फीके आएंगे, खराब हो गए थे चावल। तो देखो, मम्मी बोल रही है खाना थोड़ा बनाने के लिए, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है इतनी, क्योंकि वो भी थक जाती है और कल से उनकी तबीयत खराब है। मैंने आपको दिखाया था हमारे वीडियो ब्लॉग में, आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो जाइए और हमारी यूट्यूब चैनल पे हमारी पहले वाली वीडियो देखिए पूरी, उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का बाथरूम, चलते हैं ऊपर। ये देखिए, ये बाथरूम खड़ा हो चुका है, तो इसके ऊपर टंकी रखनी है अभी हमें। तो अभी ये जो पेड़ आप देख रहे हो आप सभी, तो ये कल काटा है भाई ने, बहुत ज़्यादा यहाँ तक था, तो हम टंकी नहीं रख पा रहे थे यहाँ पे, तो दिक्कत हो रही थी। तो बाथरूम देखो, ये गेट भी लग चुका है हमारा, ये देखिए, ये बाथरूम बना है, छत डलनी बाकी है और इसके ऊपर टंकी रखनी बाकी है। और छत तो बाउंड्री तो मैंने आपको दिखाई दी थी, बाउंड्री बन चुकी है, ये सारा सामान रखा हुआ है अभी, बन करके रेडी हो चुका है। और भाई पेड़ भी काट चुका है, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पेड़ की वजह से, कुछ काम नहीं हो पा रहा था। देखो, अब ज़्यादा ऊपर खींचने की वजह से नीचे वाला कमरा, टंकी रखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही ऊँची हो रही है, तो भाई मना भी कर रहा है, भाई बोला छोटी टंकी रखने के लिए, बट मम्मी स्टिल बोल रही है कि काम इतना होता है, पानी नहीं भर पाते, मशीन चलती है तो पानी खर्च हो जाता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो टंकी तुरंत ही खाली हो जाएगी। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, सामने में टंकी रखी हुई है हमारी, वो टंकी ढकी हुई आपको दिखेगी भी नहीं, तो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, भाई कौन सी टंकी लाता है कौन सी नहीं, क्योंकि अगर इसे ऊपर ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो पुलिस वाले ने देख ली तो वहाँ के पैसे मांगेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमारा घर बनना था वो अनकम्प्लीट इसीलिए रह गया था, क्योंकि पुलिस वाले आकर के हमसे पैसे ले गए थे, और जब पैसे ले जाएंगे और पैसे नहीं होंगे तो हम कैसे कम्प्लीट करा पाएंगे। उस टाइम पे मम्मी ने कर्ज़ा लेकर के नीचे वाला कमरा बनवाया था, और अब दोबारा से कर्ज़ा लेकर के मम्मी ने ऊपर वाला कमरा बनवाया है, तो ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो चुका है, बन चुका है, बस नीचे का थोड़ा स्लिप लिप अभी रह रही है, वहाँ पे टाइल्स वाली टाइल्स लगनी बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं आपको जल्द ही अपना पूरा घर घर का टूर कराऊँगी और आपको ब्लॉग दिखाऊँगी मेरा घर कैसा बना है। और आप जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप हमारे साथ बने रहिए ऐसी। ओके, बाय बाय गाइस।